नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल सनातन धर्म का संसार पर। दोस्तों, अगर आप जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तु भीम हर हर महादेव। दोस्तों, अगर आपके घर में किसी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है या आपको स्वयं बहुत ज्यादा गुस्सा आता है या फिर आपके घर में वह सदस्य किसी से बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा करता है, हो सकता है बच्चे अपने माता पिता से लड़ाई करते हो या पति पत्नी में लड़ाई हो, तो आपको पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए सिर्फ एक पत्ते से एक ऐसा उपाय करना है जो आपके सारे लड़ाई झगड़ों को एवं आपके गुस्से को हमेशा के लिए शांत कर देगा। तो चलिए जानते हैं क्या है वो उपाय। लेकिन उससे पहले, अगर आप महादेव को सच्चे दिल से मानते हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। देखिए, गुरु जी ने कहा कि जब भी माता पिता किसी बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करते हैं और यदि वही बच्चा उनसे बड़ा असभ्य व्यवहार करता है या उनसे लड़ाई झगड़ा करता है तो उन्हें बहुत दुख होता है। अगर आपके घर में भी किसी बच्चे को गुस्सा आ रहा हो या पति का पत्नी के ऊपर गुस्सा आ रहा हो या फिर किसी भी सदस्य को गुस्सा आ रहा हो, तो आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। देखें, इस उपाय के लिए आपको सिर्फ एक पत्ता लेना है। आप चाहे तो पान का पत्ता ले सकते हैं या फिर पीपल का पत्ता ले सकते हैं या फिर बेलपत्र का एक पत्ता ले सकते हैं। तीनों में से जो भी पत्ता आपके पास उपलब्ध हो जाए, आप तीनों में से कोई भी एक पत्ता ले सकते हैं। फिर इसी के साथ आपको थोड़ा सा शहद लेना है। शहद आप दो चार बूंद ले सकते हैं। फिर के बाद आपको लेना है 7 चावल के दाने। चावल के दाने जो भी आप लेंगे, उनमें आप ध्यान रखेंगे कि वो दाने टूटे हुए नहीं होने चाहिए, खंडित नहीं होने चाहिए। और फिर आखिर में आपको ले लेना है 1 लोटा जल। अब ये सारी सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है बेलपत्र के वृक्ष के नीचे। बहुत ही अच्छा उपाय है उन लोगों के लिए जिनके घर में लड़ाई झगड़ा या गुस्सा बहुत आता रहता है। तो आपको यह बहुत ध्यान से समझना, आपके घर के आसपास जो भी बेलपत्र का वृक्ष हो या फिर कहीं दूर बेलपत्र का वृक्ष हो, तो वहां पर आपको ये उपाय करना है कि आपको सिर्फ एक बार ही उपाय करना है। तो आप कोशिश करिए कि बेलपत्र का पेड़ कहीं से ढूंढ कर उस पेड़ के नीचे आप ये उपाय कर ले। देखें, बेलपत्र के पेड़ के नीचे पहुंचकर आप सबसे पहले यह जो पत्ता लेकर आए हैं उसको बेलपत्र की जल के पास कहीं पर रख देंगे। अगर आप पान का पत्ता लेकर गए हैं तो वो रख देंगे या पीपल का पत्ता लेकर गए हैं तो वो रख देंगे या फिर बेल का एक पत्ता लेकर गए हैं तो वो आप रख देंगे। आप ध्यान रखेंगे कि पत्ते की चिकनी वाला जो हिस्सा होता है वो आपको ऊपर रखना। अब इसके बाद आप जो शहद लेकर आए हैं वो शहद इस पत्ते के ऊपर थोड़ा सा डाल देंगे और फिर जो आप जो 7 चावल के दाने लेकर आए हैं उन दानों को शहद में लगा देंगे, यानी इन्हीं शहद के ऊपर रख देंगे। अब यह चावल के दाने इस शहद में चिपक जाएंगे। उसके बाद आपको भगवान शिवा का स्मरण करना है और माता सती का स्मरण करना है। साथ ही साथ आपको महादेव के पूरे 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करना है। लेकिन पहले आप भगवान शिवा और माता सती का स्मरण करिए, फिर 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करिए। और जिस भी सदस्य को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है या जिसकी वजह से बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा घर में होता रहता है, उनका नाम लेकर आप महादेव से प्रार्थना करिए कि मेरे में इस व्यक्ति की वजह से बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा होता है या फिर इस व्यक्ति को बहुत यादा गुस्सा आता है, मेरे भोलेनाथ है मेरी माता सती, कृपया इस व्यक्ति के गुस्से को शांत करे। आप महादेव से कुछ इस प्रकार से निवेदन कर लीजिए। इसके बाद आप ये पत्ता उठाकर किसी भी नदी में प्रवाहित कर दे। गुरु जी ने कहा कि ये उपाय आपको सिर्फ और सिर्फ सूर्यास्त के पहले करना है, सूर्यास्त के बाद आप यह उपाय नहीं करेंगे। गुरु जी कहा कि अगर आप सिर्फ एक सोमवार के दिन भी इस उपाय को करते हैं तो यकीन मानिए आपको गुस्से में तथा लड़ाई झगड़े में बहुत ही जल्द आराम मिलेगा। आपको ध्यान रखना है कि ये उपाय आप सोमवार के दिन भी कर सकते हैं या फिर किसी विशेष तिथि में भी कर सकते हैं, प्रदोष के दिन कर सकते हैं, मासिक शिवरात्रि में कर सकते हैं या फिर सावन के किसी भी दिन में आप इस सुंदर से उपाय को कर सकते हैं। तो ये था पूज्य गुरु जी द्वारा गया एक बहुत ही छोटा सा उपाय। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। धन्यवाद।